एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सारे जाने ठीक होवोगे। आज है डे ट्यूसडे, बच्चे चले गए स्कूल। सो यह हूँ किचन के अपने से ब्रेड गर्म कर रही हूँ, मैं अंदर आके व्लॉग शूट कर रही हूँ। इन्होंने बिल्कुल नहीं दसना क्योंकि मैं इन्होंने चैलेंज कर रही हूँ 24 आवर्स इग्नोर, और जो कि इन्होंने नहीं पता है। इस मैं व्लॉग के एंड तक बने रहे और देखते हैं मेरा 24 आवर्स चैलेंज कंप्लीट होंगे या नहीं। ठीक है, मैं पूरा फुल डे इन्होंने इग्नोर करना है। जबरदस्त धमाकेदार व्लॉग होएगा। व्लॉग में एंड तक प्लीज जरूर देखियो, चैनल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं थोनों आज पूरा दिन इग्नोर चैलेंज के साथ। हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अद्धे व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी लेट हुई है क्योंकि बच्चे स्कूल आप छड आए यार। मैं क्या भी डेली आप स्कूल का दिखाने बच्चों स्कूल छड आए, लै छड आए, ये वो। मैं अज वो स्टार्टिंग नहीं करनी, अज आप चाह तो स्टार्ट किए जी। चाह पी रहे इधर भी चाह पी रही है, एक लैके आई है ना खाने वास्ते है। हेलो, तेनू कह रहे हैं गजब बेइज्जती है। मैं पागल हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, गोलू और लक्ष्य की जिम में हुई बहस। हाँ ये ला दे। तो क्या हो गया, की बनाना है जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तनु यार क्या करूं मैं, तेरे कुछ क्या नहीं सुनदा नहीं। ये क्या है सुनदा नहीं तनु, गुंगी गंगी तो नहीं, ओ बैरी बुरी तो नहीं होगी। तनु क्या है जो की बनाना है जो है? की बनाएंगे आज है गुरु? तू तो बंदा पागल है, तो मुझके इग्नोर क्यों कर रही है, क्यों चैलेंज तो नहीं कर रही मेरे नाल। ए गाइस देख लो, इन्हें मन लगता है चैलेंज ले, बाकी जितने तक मनु लगता है, मनु पक्का नहीं पता, मैं श्योर नहीं हाँ जे ने ले जी चैलेंज, तो फिर कोई गल नहीं, चैलेंज फिर चैलेंज ही सही। यही कुड़ी तुम मैं इसे ब्लॉग च मैं बुला दिखावगा तुम चैलेंज लिया होना इन्हें, मैं इग्नोर करना जी उन्होंने, कोई चक्कर नहीं। आके बताते हैं आपको हम कौन होते हैं। एंड तक ब्लॉग ने देखा, अगे देखे हूँ जरा गाह पैना वो तेन पता ही नहीं, चैलेंज लेना आसान है, हूँ देखो अगे होंदा की है। सो गाइस दुकान ते चले गए ने, पहला स्टेप ते होया वधिया साडा, काफी देर तक बुलांदे रहे सीगे की बनाना है की करना ये वो है ना, तो मैंने बिल्कुल इग्नोर किया। ब्लॉग नाल एंड तक जुड़े रहो। दूध पा दे, दूध पा दे, इधर बन रही बर्फी। चलो जी आया जी करे, किसी का चैलेंज है ते रोटी बन रही है मेरे वास्ते, मेरे वास्ते स्पेशली दाल वाली रोटी है ना, है ना बोल। वाओ क्यों घट नहीं, गैस बिस्किट खा लो, बिस्किट खा लो, खा लो खा लो खा लो, आ आ आ खा। मैं भी आटा आज ना रोटी बना के देख लो बनाई। आंटी बाहर नहीं आ रही है, चल यार बाहर चल, सुनदा ना नू मैं तो आ जाना बाहर, इन भी बाहर चला बाहर, आजा आजा सुन ला मेरी गल, आजा 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 आजा, रोटी पा दे दही ना लेगा, काली मिर्च ते नमक दही च पा दी। अच्छा काली मिर्च नहीं आती है यार, कैसी चलानी है यार, रोटी नहीं दे सकती अपने घर वाले नू। हद हुंदी यार बेशर्मी दी, मन्ने भी चलो तो चैलेंज लिता हूँ रोटी भी नहीं पा के देंगी, चल रोटी पा के दे मैं।
चलो गाइस रोटी खा ली, आप आ गए, आप ही रोटी पानी पी, आप ही उठ के पानी लिया, रोटी आप ही पाई, दही दुही भी आप लेके आए, आप ही पाया। हाँ देखो रोटी खा ली, अगर रोटी खा रही है ओ शिट। देखो ये सोचो गिलास उ इतने पे एक गिलास ये पानी, तो मैं रिमोट चकदा चकदा जी मैं इनू हथ ओ हो डुल गया पानी। अभी इसको कौन साफ करेगा, इन साफ तो कर दे यार, को रिएक्ट नहीं है रहा। आ लता गुड्डे, आ लता गुड्डे खुड़ दे लता। चलो गाइस रोटी पानी आप खा ली है, तो हम चले जी आप बच्चा नु लैण वास्ते स्कूल। तो टाइम होगा, होगा टाइम, टाइम होगा, टाइम हो सुनदा नहीं, सुनदा मुंह तो पानी आवे, फिर आवे सुनदा नहीं, सुनदा तैनू हल तो दो चिट्टे ही पे ने, हल तो दो चिट्टे ही पे ने, पानी बाल्टी भर के भी पै सकता है। रोन लग गई, रिएक्शन आएगा हुण गाइस, रिएक्शन आएगा, ये गुस्सा आप गुस्से ना होने, ये बोली 1 2 3 जूठा पानी से मेरा है, हाय। हाँ जी रिया नु बुलाना, रिया तेरे मम्मी आए ना बाहर, गल सुन ले खड़े मेरे बाहर, ओ गल सुन ले बाहर खड़े, मैं कह देना नहीं आंदी भी जगल सुन ले। Finally guys ये घर आ चुकी है, मुझे बोल रहे मुझे ये दे दे वो दे दे, मैंने खाना भी बना लिया, बट थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, बट फिर भी ये यू नो इग्नोरिंग चैलेंज है। सो वन स्टेप तो मैंने कंप्लीट कर लिया और आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। इन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी फेंका अपने जैसे व्लॉग में देखा, और मैंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ जी गाइस बच्चों का टाइम हो चुका है स्कूल का, तो मैंने बच्चों को लेने जाना है, इनको तो मैं बोल नहीं सकती भी चलो बच्चों को लेकर आए, बट फिर भी मैं खुद जाऊंगी, कार में बैठ जाऊंगी जाकर, चाबी ढूंढने की, चाबी का चाबी मेरे पास है, कार में तो इतनी गर्मी है यार कैसे बैठूंगी मैं। चलो जी आप आ गया जी करे, बच्चा तो होगा जी स्कूल का टाइम, चाबी कितने गई, गड्डी खोलन की आवाज आई है बाहरों, अच्छा गड्डी च बैठी भी है। चलो गाइस वो देखो वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, एक तो कार का शीशा नहीं साफ है, जो चाबी लेके आया है वो गाड़ी चलाएगा आगे, आज हम पीछे बैठ के जाएंगे, ये यार गर्मी है स्टार्ट कर छोड़। गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, कार में तो मेरा बुरा हाल हो गया, अभी इतनी गर्मी यार, इतनी गर्मी यार, फिर मई का महीना चल रहा है तो गर्मी तो होगी ना, सच्ची बहुत ज्यादा गर्मी है, में कुछ ज्यादा ही गर्मी है। चलो गाइस बच्चों का टाइम हो चुका है, तो जा रहे हैं हम उनको लेने के लिए, सच में जा रहे हैं, ओके मिलते हैं फिर गाइस व्लॉग को एंड, मैं भी हूं व्लॉग में, एंड तक बने रहना। चलो जी गाइस रिया गई है अंदर बच्चा नु लेने वास्ते, मैं आके गड्डी रोकी, मैं कहा चल मैं जावांगा अपने आप ही उतर के टाकी खोल के तो सीधा बाहर, कोई गल नहीं हूँ मैं गड्डी कर देनी, लोग आएगी खड़काई कुछ के मनु तो कुछ कहेगी नहीं, पर बच्चे घर क्या मन खोलना पै सकता है यार शिट। चलो देखते हैं कोई गल नहीं, हाउ आर यू जुआन, ये भी बेबी आ चुका है, हाउ आर यू नाया, नाया गाइस गर्मी बहुत ज्यादा, बार बच्चे बिल्कुल इरिटेटेड हुए पड़े हैं। चलो गाइस मिलते हैं फिर आपको हम घर जाकर, गाइस नहीं गाइस। सो गाइस अभी आ चुके हैं शॉप से और ये बैठे हुए हैं, चाय वगैरह का टाइम हो गया इनका। युवान चाय दूध पीने, चाय दूध पिएगा, फ्रेंच फ्राइज बना दे मम्मा, नहीं पीने चाय दूध, फ्रेंच फ्राइज बना दे मम्मा,
गाइस मैं भी पीनी है। ओके युवान को चाय दूध दो और फ्रेंच फ्राइज बना देती मम्मा, ठीक है? चलो चलो युवान के साथ मैं भी खाऊंगा। चलो मैं युवान को फ्रेंच फ्राइज एंड दूध देती हूँ। ओके गाइस मैं युवान को दूध चाय और फ्रेंच फ्राइज बना दूँ, फ्रेंच फ्राइज वगैरह बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइस ये नहाने चले गया तो मैं कैमरा सेट कर देती हूँ, इधर कैमरा सेट करती है। चाय बना दे, चाय पापा दो। देखो गाइस चाय भी अपने चाय खुद बना के लेनी पै रही है यार, इन्ना इन्नी ना इंसाफी, इन्ना तगड़ा चैलेंज। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, यही लड़की तुम देखियो मैं बुलाती दिखावगा हूँ कुछ देर तक। चलो चाह पीना, हूँ जो होना है होना ही है, हर किसी का दिन आता है, हमारा दिन भी आएगा। चलो जी गाइस शेर द रिया मनु कर रही है इग्नोर, शेर द इग्नोर कर रही है मनु, तो कोई गल नहीं, इधर रिएक्शन तो मैं लेना सी, मैं सोच रहा सी इधर रिएक्शन किमें लवा किमें लवा किमें लवा, हूँ मैं सो रही है इस टाइम, आ देखो सुती हुई है, तो रिएक्शन तो मैं लेना सी क्योंकि चैलेंज है, चैलेंज तो कंप्लीट करना ही करना है। तो मैं लेना जी बैलून, बैलून च भरेंगे पानी, पानी का भरा बैलून सुट्टांगे, वो फुटेगा तो पानी डुलेगा तो रिएक्ट करेगी। वैसे उन्हें रिएक्ट नहीं करना सी क्योंकि चैलेंज किया, चैलेंज अपना पका के छड़ती, तो आप हम चैलेंज करते हैं कैमरे का, करते हैं सैटअप, किधर सैटअप रख के वो करते हैं अपना चैलेंज कंप्लीट, तो देखना है जो कंप्लीट होता है चैलेंज के नहीं रिएक्ट कर दिए कि नहीं। चलो मैं अपनी तैयारी कर दिया पहले, ऐसे नहीं मानती है, ये ऐसे नहीं मानेगी, अभी इसको कुछ और दिखाना पड़ेगा अपना। चलो बा कैसन हो बेटवा, अभी तो वन सेकंड, कितनी देर इग्नोर करेंगी, कितनी देर आगे खोलो बेटा, आगे खोलो बेटा, आगे खोलो। चलो गाइस अपना प्रैंक हो गया सक्सेसफुल, ते रिया नो पा अपना रिएक्शन, रिया ने जड़ा नहीं देना सी मनु सही था, मनु इरिटेट मैं इनू कर रहा सी पूरा, जड़ा ने चैलेंज दिता सी भी मनु इग्नोर करना है, तो अपना की है डिनाई, डिनाई कह सकते आप, ते अनसक्सेसफुल हो गया जी इहदा चैलेंज। ते चलो जी इस चैलेंज नू आपां इत्थे खत्म करदे आ, ते बाकी रिया के दसूगी इनू किवें दा लग्गिया। पोचा भी मारो अब, पोचा भी लगेगा, जल्दी रिएक्शन आ गया आपका। यार तू सिर्फ पुठे काम करते हो,
ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆਹੋ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅੰਕੁਸ਼ ਸੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਹੀ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਆ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਐਂਡ ਟੋਇਲਟ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਝੇ ਬੋਲਣਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਮੁਝੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਫਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨੱਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿੱਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਾਇਆ ਐਂਡ ਯੁਵਾਨ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੱਲ ਮਿਲਤੇ ਆ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਕੇ ਸਾਥ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਵਲੌਗਸ ਵਲੌਗਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗਸ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗਸ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਚਲੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਕੇ ਸਾਥ ਚੈਲੰਜ ਵਲੌਗ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ